तो दोस्तों लेकर आ चुके हैं मैं एक और अनबॉक्सिंग वीडियो, और आज के अनबॉक्सिंग के अंदर करने वाला हूं मैं बोया के BY-M1 माइक को, और इसके बारे में कुछ डेप्थ रिव्यू देने वाला हूं और ये बताऊंगा कि मैंने ये माइक क्यों परचेस किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं दर्शित और आप देख रहे हैं टी लर्निंग। होप करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों ऐसा सा हमारा कुछ बोया का BY-M1 का बॉक्स। अगर बॉक्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो वो काफ़ी हद तक ठीक है, और इसके फ्रंट पर मेंशन देखने को मिल जाती है इसकी इमेज और इसका मॉडल नंबर जो कि BY-M1 मेंशन कर रखा है, और साइड में है भैया प्रो ऑडियो सीरीज जो कि ऑडियो के टेस्ट के बाद ही पता लगेगी, और पीछे इसकी कुछ डिटेल मेंशन कर रखी है, इलेक्ट्रिक ऑडियंसर का माइक, ओमनी डायरेक्शनल, और ऊपर लिख रखा है लो हैंडिंग नॉइस जो कि ये सारी चीज़ें ऑडियो टेस्टिंग के बाद पता लगने वाली है। शायद प्राइस कहीं मिसिंग है, बट हमें प्राइस पता है, इसका प्राइस मार्केट के अंदर 750 to 850 के बीच में मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये 5 चीज़ों से कनेक्ट हो जाता है जो कि है फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, कैमरा और GoPro जो कि हमारे को टेस्टिंग के वक्त पता लगेगा। तो वीडियो को लेट ना करते हुए बॉक्स को एक बार ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं हम कि हमारे को क्या क्या कंटेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों फ्रंट के अंदर ही हमारे को लेदर का एक केस देखने के लिए मिल जाता है, और ये डॉक्यूमेंट्री बुक मिल जाती है, और इसके अंदर कुछ हमारे को माइक्रोफोन की एसेसरी देखने के लिए मिल जाती है, और फाइनली इसका हमारे को वारंटी कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। तो जी लेदर केस के अंदर ही हमारे को माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाता है, ऐसा सा है इसका कुछ कनेक्टर, और केबल लेंथ की अगर बात करी जाए तो 20 फुट तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 20 फुट की केबल इसके अंदर अवेलेबल दे रखी है। और बात करी जाए तो इसके अंदर दो मोड अवेलेबल है, पहला कैमरा और दूसरा स्मार्टफोन। इसके अंदर एक फीचर है कि जब आप इसको कैमरे में यूज़ करेंगे तो ये इसकी अपनी बैटरी यूज़ करेगा, और जब आप इसको स्मार्टफोन में यूज़ करोगे पावर ऑफ करके तो ये फ़ोन की बैटरी को यूज़ करेगा। तो बैटरी शायद एसेसरी के कंपार्टमेंट में दे रखी है। तो दोस्तों ये पाउच दे रखा है लेदर के केस के अंदर रखने के लिए ताकि कुछ स्मेलिंग का इशू ना आए। तो दोस्तों ये रही इसकी बैटरी, और इस बैटरी को एक बार लगा के देख लेते हैं। आई होप ये बैटरी ऐसे ही लगती हो। और फाइनली ये क्लिप जो कि माइक्रोफोन को लगा के आप अपने कॉलर में लगा सकते हैं, और इसके साथ ही एक्स्ट्रा जैक देखने के लिए मिल जाता है। मे भी शायद ये पुराने जो डिकॉर्डर चलाते थे उसके शायद लगने के लिए हो, बट आजकल ये यूज़ होते ही कहाँ हैं।
तो दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, जब भी आप कभी माइक ले तो एक बार ये चीज़ देख ले कि ये 3 पिन वाली होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको फ़ोन के अंदर यूज़ करेंगे तो आपको 3 पिन की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ आप इसको फ़ोन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। और दोस्तों अगर बात करी जाए इस स्पॉन्स की, तो ये आपकी हल्की फुल्की नॉइज़ को कैंसिल कर देता है, मतलब कि जब आप ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो ये आजू बाजू की जितनी भी हो रही नॉइज़ होती है उसको रिड्यूस करता है। दोस्तों यही कुछ था हमारा बॉक्स का कंटेंट, तो देरी ना करते हुए एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जो मैं आगे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी ऑडियो मेरे भैया के माइक से रिकॉर्ड हो रही है। होप करता हूँ आपको अब ऑडियो साफ सुनाई आ रही होगी, वैसे पहले भी सुनाई आ रही थी। बट इसको लेने का मेरा एक मोटिव ये भी था कि जो पहले जो बैकग्राउंड में खच खच पच पच की जो नॉइस आती थी, अब वो बंद हो जाएगी। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।